अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू चैनल कश्मीर लस्ट। हाजिर खिदमत आपका भाई। आज वीडियो सारे भाई बहन मिलके एंड तक देखेंगे। जिनको फेसबुक पे ग्रो करना है, जो जानना चाहते हैं कि हाउ डू वी अर्न द मनी, मतलब कितनी पेमेंट आती है और पेमेंट कहाँ चेक करना है, तो कैसे पेमेंट मिलती है। चलो भाई, सिंपल सा प्रोसेस है, आपको समझाते हैं। जो नए कॉन्टेंट क्रिएटर्स हैं, फेसबुक पे ग्रो करना चाहते हैं, या जो जानना चाहते हैं कि भाई पैसे कहाँ दिख रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा पैसे कैसे मिलेंगे और कहाँ देखना है, मतलब पे आउट, तो वीडियो स्टार्ट करते हैं अब। सो गाइस, वेलकम टू चैनल कश्मीर लस्ट। सो आज करेंगे बात पे आउट, पैसा कैसे मिलता है फेसबुक पर, एंड आपको कहां जाना है वो पैसे देखने के लिए, कि मुझे रेवेन्यू कैसे जनरेट हो रहा है। सिंपल सी बात है, कोई ड्रामा नहीं करना है हमने सीधे देखना है। हम पहले क्या करेंगे, आपके पास एक लैपटॉप होना चाहिए, एक अच्छा माउस, और हम करेंगे पहले काम, हम जाएंगे गूगल में। तो भाई गूगल में क्यों जाना है, हमने फेसबुक पे लॉग इन करना है। देखिए आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, अभी लॉग इन करना है मैंने, मैं आपको लॉग इन ऑटोमेटिक लॉग इन मैंने किया है। जो ही आप लॉग इन करते हैं, आपके सामने एक इंटरफेस खुलता है फेसबुक का। देखिए इसमें आपको अपना प्रोफाइल दिखता है, बिकॉज कुछ लोग क्या करते हैं, वो डायरेक्टली एक फोन नंबर से, ईमेल आईडी से पेज डायरेक्टली बनाते हैं, बट मैंने अपने प्रोफाइल के अंदर पेज बनाया है। तो मैक्सिमम लोग ये करते हैं, बिकॉज ये ज्यादा सिक्योर रहता है। ये मेरा प्रोफाइल है, ओहो कियान सिद्दीक मीर, दिस इज मी, मेरा पर्सनल प्रोफाइल है भाई, बच के। तो आप क्या करना है, अब आप बोलोगे पेज का है, अब आपको फिर से वो फेसबुक का आइकन ऊपर दिख रहा है कोने में, तो उस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद ये देखिए आपको फ्रेंड्स, ग्रुप्स, मार्केट, वॉच प्लेस, पता नहीं क्या क्या शॉर्टकट्स में आपको मिलेगा अपना पेज। देखिए मेरे कौन कौन से पेजेस हैं, देखिए पहले ये तो अचानक से खुल गया। तो भाई ये हम करेंगे कश्मीर लस्ट, यहाँ सेलेक्ट कश्मीर लस्ट, मीन्स आपको फेसबुक पेज, जहाँ अभी आप यूट्यूब देख रहे हैं, बट कश्मीर लस्ट इज ऑन फेसबुक। देखिए इंटरफेस देखिए मेरे पेज का, आहा, ये आपके सामने खुला कश्मीर लस्ट का फेसबुक पेज या आपका फेसबुक पेज। देखिए अब इसमें क्या है, बेसिकली सबसे पहली चीज पैसे कमाने के लिए, मैंने आपको बोला मोनेटाइज होना चाहिए पेज, वो हम मोनेटाइजेशन कैसे अचीव करते हैं वो नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। फिलहाल हम जाएंगे आपको दिखाने की, हम सबसे पहले आप जब स्क्रॉल करते हो, आपको बिल्कुल लेफ्ट हैंड साइड में, आपका तो बिल्कुल अपोजिट होता है, तो बिल्कुल दिखेगा इनसाइट्स, आपको पता चलेगा कितने पेज, मतलब रीच क्या है, एंगेजमेंट कितनी है, लाइक्स कितने बढ़ रहे हैं दिन ब दिन। तो यहीं पे आपको मिलेगा फॉलो, देखिए 39,435 फॉलोअर्स हो चुके हैं अभी तक, अल्लाह का फजल एंड थैंक यू टू द ऑडियंस। तो ज्यादा बोर नहीं करते हुए हम अब दूसरे सेगमेंट में जाएंगे। देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ देख रहे हैं इनबॉक्स, प्लानर, न्यूज फीड, बिजनेस एप्स, इसी के नीचे होम होगा, मैसेंजर टूल्स होंगे, सब्सक्रिप्शन, इसको नीचे करते हुए क्रिएटर स्टूडियो। तो भाई क्रिएटर स्टूडियो जैसे यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो होता है, वैसे फेसबुक का क्रिएटर स्टूडियो, बट यूट्यूब का क्रिएटर स्टूडियो पिछले 10-15 साल से है, फेसबुक का अभी नया नया आया है, बट फेसबुक का बहुत इंप्रोवाइज्ड होने वाला है। बट ये थोड़ा कंफ्यूजन है, जब आप फोन पे यूज करते हो, फोन पे इतना गंदा इंटरफेस है, समझ में नहीं आता। अब आप देखिए, देखिए ये मोनेटाइजेशन आपको ऑटोमेटिकली आ रहा है, पिछले 7 दिनों में मैंने लगभग $7 कमाए, चाय पानी निकल रहा है अपना। तो भाई वंच करन क्लियर, वन शोज बेसिक फैक्ट्स। अब देखिए आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन है, इनसाइट्स है, प्री पब्लिश, पब्लिश्ड। देखिए आपने जो अपलोड किया, आप उस पर क्लिक करें पब्लिश पे, पब्लिश में आपको फिर वो पूरा व्यू दिखाएगा ओपन करके ट्री व्यू में, कि भाई आपको किस किस वीडियो में पैसे आ रहे हैं। देखिए आपने आइकन देखा होगा, ये देखिए यहाँ पर बिल्कुल आपको दिखा रहा है ब्लू में, ये ग्रीन में मीन्स मोनेटाइज, इस पे पैसे आना शुरू हो गया। अब जिसमें येलो होगा लिमिटेड मोनेटाइजेशन, उसमें आपने देखिए लैंग्वेज कैसी सिलेक्ट की है, आपको ये देखना है कि आपने गलत थंबनेल तो नहीं डाला, पॉलिटिकल कंटेंट तो नहीं डाला है, या कुछ ऐसा डाला है जो आपने प्रॉपरली डिफाइन नहीं किया है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स लैंग्वेज प्रॉब्लम्स होती है, तो आप वो सिलेक्ट कर लें। ये देखिए अब इसका ज्यादा नहीं जाएंगे, पब्लिश का टैब बंद करते हुए हम जाएंगे नीचे, देखिए मोनेटाइजेशन पे, देखिए मोनेटाइजेशन, देखिए मैं थोड़ा लंबा खींच रहा हूँ वीडियो, मोनेटाइजेशन आपकी ये खुलती है। पहले सबसे देखिए आपको दिखा रहा है कि नो मोनेटाइजेशन वायलेशन, और एक चीज है मेरा इंस्टेंट आर्टिकल भी शुरू हो गया, बिकॉज मेरे को ये सेटअप नहीं करना है। इंस्टेंट आर्टिकल एक दूसरा चीज है जिसमें आप अपनी वेबसाइट कनेक्ट करते हैं, या आप कहीं आर्टिकल्स लिखते हैं मल्टीपल पेजेस पे, वो लिंक्स डाल के आप आर्टिकल्स, ब्लॉग जो आप लिखते हो उसके थ्रू आप पैसा कमा सकते हो। बेसिकली इसमें मत जाओ, जाना है तो बेटर है, मैं भी जाऊंगा बट अभी नहीं, अभी फिलहाल आप देखिए एलिजिबिलिटी के मामले में ये वायलेशन नहीं होनी चाहिए। अब आप देखिए ये टूल खुलते हैं, इंस्टेंट आर्टिकल्स सेटअप करना है, बाकी इनस्ट्रीम एड्स फॉर ऑन डिमांड, सब्सक्रिप्शंस मेरी आ गए, स्टार्स आ गए, पेड ऑनलाइन इंस्टेंट, और जो मेरा लाइव है उस पर भी हम पैसा कमाते हैं, वो मेरे ऑलरेडी देखिए बराबर है।
यहाँ है अदर मोनेटाइजेशन टूल्स। तो ये टूल्स आपको पहले क्लियर होने चाहिए, बिकॉज जब आप इनस्ट्रीम एड्स करते हैं डिमांड में, तो आपको सबसे पहले क्या चीजें होनी चाहिए, देखिए इनस्ट्रीम एड्स, इसके लिए कुछ आपको क्वालिफाई करना पड़ता है, कुछ घंटे का वॉच टाइम है, बट मुझे लगता है फेसबुक आप कितना भी वॉच टाइम होगा आप इजिली क्वालिफाई कर लोगे अगर आप दिमाग से तरीके से कॉन्टेंट बनाओगे। तो ये देखिए ये मोनेटाइज हो रहा है। देखिए अब आप मोनेटाइजेशन को चेक करें पीछे, अब इसको पहले करते हैं बंद। आप मोनेटाइजेशन में जब आते हैं यहाँ पे सारे टूल्स दिए हैं, सबसे है कि पे आउट सेटिंग। अब आप पे आउट सेटिंग में आते हैं तो पे आउट सेटिंग आपके स्क्रीन के सामने ही है। देखिए मेरा यहाँ पर पे आउट अकाउंट है, देखिए आपको पहले देखना है आपको कौन सा आईडी है, बिकॉज आपने कभी एड्स वैड्स किए होते हैं वो आईडी बना देता है। देखिए आपका मेरा HDFC का बैंक है वो लिंक्डइन है इसके साथ, और यहाँ पर एक टैक्स इन्फॉर्मेशन है। भाई लोग इसके साथ छेड़ो मत, इसको कोई जरूरत नहीं है भरने की, ये पागल मत होना, जस्ट लीव दिस। फिर आता है कंट्री वंट्री बिजनेस टाइप या आपकी अकाउंट इन्फो। अब हाँ अगर आप अपडेट करोगे, आपने बैंक अकाउंट नहीं डाला, आप यहाँ डाल दो, ठीक है। अगर आपका टैक्स इन्फॉर्मेशन के साथ छोड़ दो, या इंटरनेशनल फॉर्म्स है फॉर्मेट है इसके साथ नहीं करना है, तो यही आपका आईडी यहाँ पर जब आप अपडेट करते हो ना अकाउंट इन्फो में, आपका आईडी लेते हैं, एड्रेस लेते हैं, आईडी में गवर्नमेंट आईडी लगा, आपका पासपोर्ट आधार कार्ड या वोटर आईडी, उसमें टाइम लगता है, एक दो बार रिजेक्ट हो जाएगा, बट आप मेक श्योर कि फोटोज स्कैन करके अपलोड करो, स्कैन और उसका एक अच्छी सी क्वालिटी। तो देखो ये अपडेट होने के बाद आपको क्या करना है, देखिए पे आउट डिटेल्स। अब होता है कि पे आउट डिटेल्स की भाई आपको पैसा कहां से मिलेगा, देखो यहां होता है गो टू पे आउट्स, आप बिल्कुल नीचे देखे राइट हैंड कॉर्नर में गो टू पे आउट्स। सो गो टू पे आउट्स करने के बाद देखिए, अब मेरे को पहले बोला आपको आईडीज होते हैं, जैसे यहां पर मुझे पीछे आईडी है, ये चार आईडीज है मेरे, तो भाई यहां पर पे आउट्स है, अर्निंग्स है। देखिए अब आप अर्निंग करते हैं, देखो मुझे बताता है कि भाई फेसबुक स्टार मुझे $1 किसी ने स्टार भेजा है और किसी ने कुछ लगभग $1 स्टार भेजा है, तो दैट्स गुड। अर्निंग सोर्स भाई, अर्निंग सोर्स देखो कहां से आता है, पहले फेसबुक स्टार्स है और मेरा ऑडियंस नेटवर्क है, ऑडियंस नेटवर्क जो मेरा आ रहा है। अब पे आउट सेटिंग की बात करें, देखिए पे आउट सेटिंग में आपको ये दिख रहा है, मैं आपको वापस वहीं ले आ जाएगा, तो हमें इसमें जाने की जरूरत नहीं है, हम पे आउट्स में जाएंगे भाई, हमें आपको दिखाना है कि रकम कैसे रोकड़ा मिलता है। तो जब आप पे आउट्स में जाते हैं भाई लोग, मुझे पता है बोर हो रहे बट बस थोड़ा सा लंबा होने वाला वीडियो। देखिए मैंने आपको बताया यहाँ पर डेट होता है टाइम होता है, आपको क्या करना, ऊपर देखिए 213 है, मैंने यहाँ पर कुछ भी आईडी सिलेक्ट कर लिया, तो देखिए वेट करते हैं, इधर वेट करते हैं, इधर वेट करते हैं, कहीं ना कहीं तो कोई खुल जाएगा, ये देखिए। फिर जब मैंने ये वाला आईडी सिलेक्ट करा तो अब मुझे आ गया जनवरी 21 को मुझे मिला है HDFC बैंक में अपना पेड रोकड़ा। अब आप बोलोगे भाई ये फॉर्मेट आप डाउनलोड भी कर सकते हो, डाउनलोड करने के बाद आप पिछले, चलो मैं 6 महीने का कर देता हूँ डाउनलोड, 6 महीने की पेमेंट तो है नहीं, कोई 2-3 महीने की है, तो मैं डाउनलोड करता हूँ। उसके बाद डाउनलोड करने के बाद आपको पे आउट हिस्ट्री आती है, आप करेंगे कंट्रोल जे या आपको शो इन द फोल्डर में दिख जाएगा, शो इन द फोल्डर में आपको देखना पड़ेगा ये पे आउट कहाँ है। देखिए आपको पे आउट हिस्ट्री ये फोल्डर बन गया, ये जब आप खोलते हैं तो ये देखिए आपके सामने फेसबुक की तरफ से ये आता है रेमिटेंस। दो ऑप्शन है, इसको भी पैसा कैसे लोगे भाई बैंक से, ये मैं आपको बताता हूँ। पहले आपको ये है, इसमें ये मिल गया आपको पैसा, ये दिखा रहा है इतना भेजा है। अब हम इसको करेंगे बंद, हम जाएंगे पेज में वापस, इसको करेंगे कैंसिल। देखिए अब यार एक ऑप्शन होता है, देयर इज अ न्यू वे टू व्यूअर पेआउट्स, ऊपर इसको करेंगे ओपन, ये थोड़ा ज्यादा अच्छे से फेसबुक सूट, अब इसको मीटा सूट बोलते हैं, फेसबुक सूट जो था पहले, अब उसको फेसबुक मेटा सूट बोलते हैं। तो ये रहा आपका रिसेंट पेआउट, आपको चिक चिक नहीं करनी है, आपको कुछ नहीं करना है, जो भी रिसेंट पेआउट होगा वो आपको दिखा देगा। ये $112 मिला लगभग, ये कोई 8,500 रुपए कुछ समथिंग, बहुत कम है, चिल्लर है, बट शुक्र अल्लाह का ये भी है, बहुत बहुत आप बने रहोगे तो बहुत मिलने वाला है, आपको भी मिलेगा। सो हम व्यू डिटेल्स पे क्लिक करेंगे तो भाई कहां से आए $112, देखो बैंक ये फिर से वही दिखा रहा है कि यहां पे ये है। देखिए अब आपको पेड है, देखो अब आपको व्यू डिटेल्स में जाएंगे, देखिए व्यू डिटेल्स में सबसे पहली बात ऊपर बता रहा है कि भाई 21 जनवरी को इन लोगों ने मुझे पैसे भेजे हैं, जिसमें 3 से 5 दिन का टाइम लगता है, डिले टाइम लॉक टाइम जिसे बोलते हैं, और इसमें मिले हैं मुझे कश्मीर लस्ट एड ब्रेक्स, और ये देखिए एड ब्रेक्स, बाकी सब कुछ नहीं है सिर्फ। हाँ अगर आपसे 3 से 5 दिन में पैसे नहीं आए और आपको यहाँ दिखा रहा है कि भाई आपका पेड आउट है, आप ना अपने ब्रांच जाओ, ICICI जाओगे, SBI जाओगे, भाई मेरा पेमेंट क्यों नहीं आया, अब मैं आपको बताऊंगा वो चक्कर क्या। तो उससे पहले पहले एक चीज करते हैं, ये रहा आप अपनी पेमेंट कैसे देख सकते हैं। तो भाई हम वापस फेसबुक में जाएंगे, तो भाई सिंपल सा फंडा है, अब मैं आपको बताऊंगा करना क्या, ये नहीं कि आपके पैसे धड़म से आपके अकाउंट में पैसे आएंगे, नहीं नहीं नहीं। तो भाई ये रहा फेसबुक पेज, तो काम करते हैं फेसबुक से हम स्विच करते हैं यूट्यूब पर। तो यूट्यूब पर हमारी छोटी सी एसोसिएशन है, इंशाल्लाह ग्रो करेगी। तो दिस इज अवर यूट्यूब, ये आपके सामने है योर चैनल कश्मीर लस्ट।
तो भैया लस्ट कश्मीर लस्ट के साथ बने रहो, तो भैया अब लेट्स पॉज इट। तो मैं आपको सिंपल सा फंडा बताता हूँ आपको क्या करना है। आपको जब ये रिमिटेंस आ जाएगी, अगर आपको लगता है कि मेरे अकाउंट में नहीं आ रही, तो आप बैंक जाओ या बैंक को फोन करो कि भाई मेरा रिमिटेंस है, मेरा फेसबुक चैनल है तो मुझे पैसे आते। यूट्यूब का आपको स्टेट बैंक अकाउंट में आ जाता है एक बार कंफर्म करने के बाद, बट फेसबुक का प्रोटोकॉल होगा तो आपका बैंक भी सिक्योर है, वो देखता है। तो आप जाओगे अपने जो रिमिटेंस देखते हैं उनको बोलना है कि मुझे रिमिटेंस आया है, तो रेमिटेंस का एक सेक्शन होता है बैंक में, वो आपके साथ बैठेगा बैंक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, रिलेशनशिप ऑफिसर, तो वो आपको एक मेल बोलेगा, आप मेल डाल दो कि भाई ये फेसबुक चैनल आपका है, आप यूज कर रहे हो, आपको ये आता है, दैट्स इट। उसके बाद विदिन 3 से 4 घंटे में आपके पैसे अकाउंट में ट्रांसफर, समझे? तो भाई ये है फंडा ये वीडियो बनाने का। ये 10 मिनट से ज्यादा ऊपर हो रहा है, मैंने पहले बोला था बहुत लंबा होने वाला भाई, तो भाई सिंपल है, इतना तो चलता है। सो गाइस कीप योर लव एंड सपोर्ट, कश्मीर में सर्दी बहुत है। एंड दिस इज फ्रॉम कादिर, मेरा एक अच्छा सा भाई है जिन्होंने मुझे गिफ्ट करी है ये, एंड आई लव इट। अब मैं यही पहनता रहूंगा, स्केचर्स की टोपी है। एंड थैंक यू कादिर भाई, आप जहां से भी हैं, लॉट्स ऑफ लव टू योर फैमिली। एंड कश्मीरी भाई को एहतराम देने के लिए अल्लाह आपको इज्जत दे, प्यार दे और तरक्की दे। तो भाई करते हैं लैपटॉप को काम, इसको करेंगे बंद और हम बताएंगे आपको अब क्या करना है, ठीक है? सो अब क्या करना है भाई, आपको एक ही चीज करनी है, आपको करना है काम। एक मिनट, पहले इसको बंद करते हैं, यहां पे कुछ गड़बड़ होने वाली है, इसको सेव करते हैं, इसको सेव करेंगे। तो भाई ये हो गया सेव प्रोजेक्ट। बस सिंपल सा फंडा है, आपको क्या करना है, आपको फेसबुक पेज बनाना है। उसके बाद आप जब मोनेटाइजेशन अचीव कर लोगे, वो आपको देखना पड़ेगा एलिजिबिलिटी में जाकर। उसके बाद आपको जो पेमेंट स्टार्ट हो जाएगी, देखिए जर्रे जर्रे कतरे से समंदर बनता है, तो मैं भी कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों की वजह से। बने रहिए यूट्यूब फेसबुक पर, कश्मीर लव सर्च करें, शेयर किया करें, कमेंट किया करें, या किसी के ख्वाब पूरे करें, अल्लाह आपके ख्वाब पूरे करेगा। अगर कंटेंट अच्छा ना हो, बेवकूफ़ी हो, तो फिर तो कोई हक ही नहीं बनता। कंटेंट अच्छा है तो आपका सपोर्ट करना लाजमी है। आप किसी गलत कंटेंट क्रिएटर को सपोर्ट करेंगे तो भाई ये तो भाई नाइंसाफी है। तो आप अगर चाहते फेसबुक पेज बनाना, नए ब्लॉग पर जरूर मिलेंगे, जल्दी आएगा। फिलहाल बीच बीच में बाकी ब्लॉग्स है, गुलमर्ग का ब्लॉग है और वो लेदर जैकेट वाला ब्लॉग देख ले भाई, इतने ब्लॉग्स डाले, कहाँ सोए हो जनता, जाग जाओ।